गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ मैं रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं स्पेगेटी पास्ता मिक्स करके, ठीक है, स्पेगेटी पास्ता चिकन, ठीक है। तो आज हमारे जो सारे स्पाइसेस हैं, ये हमारे पास अनियन है, ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट है, और ये हमारे पास चिकन है बोनलेस, और ये हमारे पास कैप्सिकम है, ये है हमारे पास टमाटो, और ये हमारे पास कैबेज। तो ये हमारी सारी डिश है, और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज का वो है ये पास्ता और स्पेगेटी को मैंने मिक्स करके बॉयल कर लिया। ये चेक करें ज़रा, सारा मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया इनको। हाँ जी, ये ले जी। तो अब हम अपनी रेसिपी बनाते हैं, चिकन वेज पास्ता स्पेगेटी रेसिपी, न्यू नेम चिकन वेज पास्ता स्पेगेटी रेसिपी बाय मारियाज व्लॉग्स। अब हम इसको बनाते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। प्याज है वह मैंने ऐड कर दी है अंदर, इसको हम हल्का हल्का हलाते हैं, एंड देन 1 से 2 मिनट बाद कुक करने के बाद इसके अंदर हम अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। जो आपने फ्लेम है वो आपने इसका मीडियम रखना है, ओके। तो अब इसको हम स्टार करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अब मैंने इसके अंदर हमारे जो हैं टमाटो ऐड कर दिए हैं, और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करते हैं, और कुक करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। हमारा जो बोनलेस चिकन है वो जा चुका है अंदर, तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद आपसे मिलते हैं। देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो मुकम्मल तौर पर कुक हो चुका है, और हमारे पास ये स्पाइसीज हैं, इसमें हमारे पास पास्ता मसाला है, और जो होता है बस गर्म मसाला, काली मिर्च, हल्दी वगैरह, ये सारे हमें इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो इसको करते हैं अच्छे से स्टायर, और फिर मिलते हैं। देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो मुकम्मल तौर पर कुक हो चुका है, और हमारे पास ये स्पाइसीज हैं, इसमें हमारे पास पास्ता मसाला है, और जो होता है बस गर्म मसाला, काली मिर्च, हल्दी वगैरह, ये सारे हमें इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो इसको करते हैं अच्छे से स्टायर, और फिर मिलते हैं। कैप्सिकम ऐड कर दिए हैं, इसको अब कुक करते हैं। कैप्सिकम ऐड कर दिए हैं, इसको अब कुक करते हैं। अब हम इसके अंदर मैंने कैबेज ऐड कर दिया है, तो कैबेज ऐसी वेजिटेबल जो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, जिसको इसको हम लास्ट पे ऐड करते हैं। तो इसको ऐड कर दिया, 2 मिनट तक कुक करते हैं, और हमारा जो है ऑलमोस्ट वेज चिकन पास्ता स्पेगेटी रेसिपी रेडी है। अब हम इसके अंदर मैंने कैबेज ऐड कर दिया है, तो कैबेज ऐसी वेजिटेबल जो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, जिसको इसको हम लास्ट पे ऐड करते हैं। तो इसको ऐड कर दिया, 2 मिनट तक कुक करते हैं, और हमारा जो है ऑलमोस्ट वेज चिकन पास्ता स्पेगेटी रेसिपी रेडी है। जो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो है वेज चिकन स्पेगेटी पास्ता रेडी हो चुका है, इतना यमी यमी मज़े का। तो इसको अब हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं मैंने जो है थोड़ी सी स्पेगेटी और पास्ता अपनी प्लेट में निकाल लिया, और इसका टेस्ट आपसे शेयर करते हैं। यमी मज़ेदार, अमेजिंग, बहुत मज़े की बनी, इतना मज़े का इनका टेक्चर फील हो रहा है। जिन्होंने अभी तक ये रेसिपी अपने घर में ट्राई नहीं की, करें, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं इस तरह की अपनी नई मज़ेदार यमी वीडियो में।